ये है सक्सेना जी, देश के जाने माने रईस। इनका अफ्रीका में बहुत बड़ा डायमंड बिजनेस है, लोग इन्हें हीरे वाले के नाम से जानते हैं। हीरे वाले जी अपना मामूली खांसी का इलाज कराने डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने काफी ध्यान से उनका इलाज किया अपनी हैसियत के हिसाब से। उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें अपने ब्रांडेड मेडिकल का पता दिखाया। सक्सेना जी ब्रांडेड मेडिकल पर पहुंचे, जहां से उन्हें अपनी मामूली खांसी के लिए काफी महंगी दवाइयां खरीदी। और ये है बेचारे फकीर जैन जी, देश के एक आम गरीब नागरिक। सही रे। सर के सामने आ जाएंगे। इनकी तबीयत बहुत 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 ज्यादा खराब है। उधर के साइड से फकीर जैन जी बेचारे उसी डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने काफी बेदर्दी से ट्रीट किया, ना इज्जत मिली ना ठीक से इलाज। फिर डॉक्टर ने उन्हें उसे अपने स्टैंडर्ड मेडिकल का पता दिखाया। लेकिन फकीर चंद जी के पास पूरे पैसे नहीं थे। स्टैंडर्ड मेडिकल फार्मासिस्ट ने उन्हें दवाइयां देने से इनकार कर दिया। फकीर चंद जी परेशान हो गए, क्या करे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वहां से अनुराधा कॉलेज ऑफ फार्मेसी का एक जागरूक फार्मासिस्ट जा रहा था। फार्मासिस्ट से उनकी व्यथा देखी ना गई। फार्मासिस्ट ने उनके हाथ में प्रिस्क्रिप्शन देखी और थोड़ी दूर पर उन्हें सिद्धिविनायक जेनेरिक मेडिकल मॉल का पता दिखाया। जेनेरिक मेडिकल मॉल पर उन्हें काफी इज्जत से ट्रीट किया गया। वहां उन्हें अपनी दवाइयां भी मिली और साथ ही साथ काउंसलिंग भी, वो भी सस्ते में। ये देखकर फकीर चंद जी बेचारे बहुत खुश हो गए। इसीलिए जब भी मैं फकीर चंद जी से आज देखता हूं तो यही कहते हैं कि सिद्धू है जेनेरिक मॉल, जनसेवा हिता है, जनसेवा सुखा है।